Stano Star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 41, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो अभ्यास 41 को पढ़ने से पहले हम इस अभ्यास में आने वाले शब्द चिन्हों को पढ़ लेते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पहचानना। तो देखिए, पा बनाएंगे, पा में यदि हम हा को इस तरह से मोड़ लेते हैं और लाइन के ऊपर होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, तो पहचानना हमारा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसी चीज़ को, सेम कंडीशन को यदि हम लाइन पर टच करके बना दें, तो पहनना और पहनना, पहनाना और पहनना हमारा जो है पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसी को यदि हम लाइन पर काट कर बना दें तो क्या पढ़ा जाएगा, पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचा। ठीक है, तो ये शब्द हमारे जो है होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम बा बनाएं, बा में फिर दोबारा बा बना दें, ये बा होता है और ये भी ये बा होता है, बा का हमने सीखा परसों, और ये भी बा। तो ठीक है, तो यदि इस तरह से कुछ हम यदि लाइन पर बनाएंगे, सॉरी लाइन के ऊपर, तो हमारा बावत पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को लाइन पर बनाएंगे तो बंदोबस्त पढ़ा जाएगा, और इसी चीज़ को लाइन को काट कर बनाएंगे तो बनिस्बत पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ में से थोड़ा सा इस तरह से करके नीचे डैश निकाल देंगे तो हमारा पढ़ा जाएगा जवाब देना, जवाब देता, या जवाब दिया, इन तीन में से एक चीज़ है। ठीक है, तो ये इसमें कोई ट्रिक होती नहीं है, ये आपको लिखकर याद ही करने होते हैं, इसने कहा ये ऐसा है तो ऐसा ही है। ठीक है, देखिए, यदि हम माँ को बनाएंगे इस तरह से, माँ माँ में हाँ इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है, और लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये हमारा महान या महोदय पढ़ा जाएगा, और इसी चीज़ को यदि हम लाइन पर बना देंगे टच करके तो मशहूर पढ़ा जाएगा। तो ये आने वाले हैं इस अभ्यास में, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके जो है स्टडी आप कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास 41 को शुरू करते हैं। साथियों, हमें इसको लिखना है सांकेत लिपि में। तो पहले का पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पास। तो पास को देखिए, पास लिखने के लिए पहला नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखो, बनाना होगा पा, ठीक है, और पा को इस तरह से सा नीचे हम मोड़ देंगे, पा 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 की मात्रा पा, और से पास हमारा ये हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा हल्का होना चाहिए, और डार्क होगा तो बा, तो हल्का और डार्क अब आप रिल मत जाना, अब इनको छोड़ देना, अब आपको एक चीज़ से ही समझना होगा। ठीक है, तो पा आ, पा आ, और सा पास हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबा। तो देखिए, बाबा के लिए बा का हमने ये इस वाला आंकड़ा सीखा था ना, तो ये लगा देंगे बा में, तो बा, और फिर दोबारा बा बना देंगे, तो बा पा पा की मात्रा बा, और फिर पा पा की मात्रा बा, ये वाली जो मात्रा होगी इस वाले पे के बाद पड़ जाएगी, और ये इस वाले पे से पहले। तो ठीक है, ये तो सै वाले, यदि हमने लिखना होता सा सबा, तो सा सा पा की मात्रा इधर लगाते ना, सा फिर इसके बाद बा साबा, तो इसी तरह से होती है इन पे भी जो हमारी मात्राएं चलती हैं। तो पहले हो जाएगा बा, बा पा की मात्रा हो जाएगा बा, और फिर बा पा की मात्रा बा बा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना है यहाँ पर बिरला। बिरला को कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो बनाएंगे बै, तो बै कैसे बनाते हैं देखिए, इस तरह से यदि हम रे में जोड़ते हैं तो इसी पै को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं बना सकते तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बै रे और ले, देखिए ले और बै पे की मतलब बी, ठीक है, और रे और रह पढ़ाएगा रह, और ले ले पा की मतलब आ, तो बिरला आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी हाग। अब आपको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पर, देखिए हमने बै जोड़ दिया, यदि इस वाले बै का और इस वाले बै में क्या अंतर होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आगे चलकर, अभी देते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखना है विहाग। तो विहाग किस में जुड़ रहा है में जोड़ेंगे, तो बनाएंगे बै इस तरह से, बै बनाएंगे और बै में थोड़ा सा मड़ा करके यहाँ से ही है को ले आएंगे, बै है और गै, इसको छोटा मत करना, क्योंकि छोटा करोगे तो आप है नहीं पढ़ पाओगे, चै या कुछ और पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा यहाँ पर करना है, इतना अंतर आपको दिख रहा होगा। तो बै बै ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे, इधर इस वाले है से पहले, बै ई बी है बी, और है पा की मात्रा हो जाएगी इधर, बी हा और ये गै, तो बिहा का आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पपड़ा। तो पपड़ा के लिए देखेंगे, प बनाएंगे पा और फिर द्वारा पा, और ठीक है रा, और रा को पीछे इस तरह से कर देंगे तो हो जाएगा रा, क्योंकि ये इसको काट रहा है और इस पर आगे मात्रा, तो पपड़ा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परती। तो परती लिखने के लिए बनाएंगे पा, देखिए पा इसमें रा में जोड़ लेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं आप शॉर्ट में, पा और फिर रा ता और तब ई की मात्रा, परती आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर को समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसी को, सेकंड नंबर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दो नंबर। तो पहला लिखा हुआ है पनसेरी। तो पा, पा को जोड़ देंगे ना में, यदि मात्रा नहीं है तो जोड़ेंगे, मात्रा होगी तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पा और ना के बीच में होगी तो इनके बाद हो तो जोड़ सकते हैं। देखिए, पा के बाद मात्रा होगी जोड़ सकते हैं, यदि शुरू में कोई मात्रा होगी तो नहीं जोड़ सकते, उस कंडीशन में पा को पूरा ही बनाएंगे, जैसे आपन होता तो नहीं जोड़ सकते थे। ठीक है, तो लिखेंगे पान पनसेरी। तो पन पा में न जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, प और न पन और स को यहाँ से लेंगे, स और र, और पन स से पे की मतलब से, और र पे की मतलब री, तो पन सेरी आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ कैसे लिखा जाएगा। तो पहाड़ लिखने के लिए क्या करेंगे, पा बनाएंगे, ठीक है, पा और इसमें कर देंगे हा,
हा उर उड़, तो पहाड़ आपका ये हो जाएगा। हा पा की मात्रा हम लगा सकते हैं पहाड़, ठीक है। यहाँ पर कोई इस तरह से कोई कंडीशन है नहीं कि पा को हम ऐसे जोड़ते, तो इस तरह से कर सकते थे वैसे तो ये इस तरह से, तो इससे अच्छा तो आप इस तरह से लिख लीजिए कभी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो पहाड़ आपका हो जाएगा। देखते हैं पहेली कैसे लिखा जाएगा। तो पहेली लिखने के लिए बनाएंगे पै और इस तरह से मोटा सा हम यदि इस तरह से कुछ लगाते हैं तो है पढ़ा जाता है पै है ल, तो ठीक है पै पै पे एक ही मात्रा जो लगेगी, तो सॉरी वो है पे लगेगी, तो प है पे एक ही मात्रा ऊपर लगेगी, पहे और ल पे एक ही मात्रा ई, तो पहेली आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पारस कैसे लिखा जाएगा। तो पारा, पा के बाद क्या रहा है, तो इसमें रह में हम पै को जोड़ देंगे, तो पा बनाएंगे प और र और स, पा पा की मात्रा है तो ऊपर लगा देंगे, पा र स पारस आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं पारसी कैसे लिखा जाएगा। तो बस इस स को ई को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे प र और स, ये हो जाएगा परस और ई से बढ़ा देंगे तो ई की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर आ की मात्रा, तो प फिर आ की मात्रा पा और र स स पे ई जो मात्रा निकली है नीचे जो बढ़ाया हमने ये ई की मात्रा होती है, तो पारसी हमारा ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और पहला लिखा हुआ है पारसनाथ। तो पारस लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, पा लिखेंगे यहाँ पर और रा इसमें हम जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे पा और र पा र और स और न, ठीक है, न और था इस तरह से लिखेंगे, तो पा 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 की मात्रा हो जाएगी पा र स न न, पा की मात्रा कहाँ लगाएंगे नीचे, पारस न और इसको काट देंगे हो जाएगा था, तो पारसनाथ आपका ये हो जाएगा। इस तरह से एक एक शब्द को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं पूरणमासी कैसे लिखा जाएगा। तो पूरणमासी के लिए लगाएंगे प और र पूरण, ठीक है, और पूरण में न को हम जोड़ देंगे पूरण और यहाँ से ही ले लेंगे माँ और माँ में जोड़ देंगे सा और सा को थोड़ा बढ़ा देंगे ई की मात्रा, पा 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 की मात्रा है तो लगा देंगे ऊपर, पूरण न माँ माँ पा की मात्रा माँ स स पे ई की मात्रा निकल गई है पीछे को, तो पूरणमासी आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा आराम से आपको चलना है, ठीक है। देखते हैं बीज गणित कैसे लिखा जाएगा। तो बीज गणित के लिए ब जय में जोड़ेंगे, तो ब और जय ब जय बीज ब ज ग और न, ठीक है, न और न में फिर त, देखिए अब बे पे की मात्रा बी और जे बीज ग न, देखिए ग न को हम ले पढ़ लेते हैं तो गड़ी और इसकी मात्रा इस तय से पहले लगा देंगे, तो गड़ी और फिर बाद में तय, तो गणित आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बीजारोपण कैसे लिखा जाएगा। तो बीजारोपण लिखने के लिए क्या करेंगे, बे को बनाएंगे जय में, तो देखिए ब और जय बीज, ठीक है, बज और र र बीज र और प और न को हम ला पढ़ लेते हैं, तो ब पे की मात्रा बी पी और जय जय पा की मात्रा बीजा र र प न बीजा रोपण रप ओ की मात्रा तो लगा देंगे यहाँ बीजा रोपण, तो रोपण को ना को पढ़ लेंगे ला, तो बीजा रोपण आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं फोर नंबर को। फोर नंबर को समझने का भी प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर डाल लेते हैं फोर नंबर, तो लिख रहा हुआ है बीज मंत्र। तो बीज मंत्र कैसे लिखा जाएगा, देखिए बैले बनाएंगे बै और बै को जोड़ देंगे जय में बी जे और म और न और यहाँ से त्र की हम चाप आधे तक लगा देंगे, ब बप की मात्रा बीज, ठीक है, मैं न त्र मंत्र, बीज मंत्र आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेबस कैसे लिखा जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, पहले ब बनाएंगे फिर इसमें ब बना देंगे ब ब और स, ब बप की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, ब पे एक ही मात्रा है तो शुरू में लगेगी बे और बस, यदि इस वाले ब के बाद होती तो मात्रा पीछे लगती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, मात्राओं का तरीका स वाला होता है, बार बार समझाने की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। तो बेबस हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन को इसमें हम इस तरह से जोड़ते हैं, है को बह है थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि हम इसे चै ना पढ़ पाएँ, ठीक है। यदि हम चै भी पढ़ते तो इस तरह से जोड़ते हैं चै में, तो ये उल्टा जुड़ता है जब बनाते हैं और ये सीधा, तो इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। तो कैसे हो जाएगा ये आपका, इस तरह से बह है, क्या लिखना है हमें, बह है तय, तो तय बनाएंगे बह है तय और तय में ही र निकाल लेंगे, बह है तय र और न। अब समझेंगे ध्यान से, बे बे पे ई की मात्रा हो जाएगी, सॉरी ए की मात्रा है, तो हम ए की मात्रा को यहाँ लगा लेंगे, बे ए बे है और बे के बाद है पड़ जाएगा, बे है तय और तय के बाद र बेहत र और न, तो बेहतरीन, और रे पे ई की मात्रा हम लगा सकते हैं कहाँ, इसके यहाँ नीचे पीछे, ठीक है, तो बेहतरीन आपका ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जलधर। तो जलधर लिखने के लिए बनाएंगे ल में ज, तो ज हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से गोल, इस तरह से ज ओ ल जल, ठीक है, और ध में हम रा को जोड़ लेंगे जलधर और इसको इस तरह से इस नीचे कर देंगे, तो ये वाला इसको काट देगा, तो ये दा का हो जाएगा धा, तो जलधर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइव नंबर को समझते हैं, लगे हाथ थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है पर फाइव नंबर में जाफरान। तो जाफरान देखिए कैसे लिखा जाएगा, पहले बनाएंगे जा फा में, तो जा फा और फिर रा और रा में ना, तो जा जा पा की मात्रा हो जाएगी आगे जा और इसको काट देंगे जगह फा, रा रा पा की मात्रा आ और न, जाफरान आपका ये
हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं विकास कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ व कौन सा वाला है, दूसरा वाला, तो यहाँ व का आंकड़ा हम नहीं लगाएंगे, तो विकास हम इस तरह से लिखेंगे व क और स। वह व पे ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, यहाँ लगा सकते हैं वी, और लेकिन आप पे जब का पे आ की लगाएंगे तो ड्रिल जाएंगे आप, तो यहाँ लगा लीजिए वह व पे ई की मात्रा वी, कै का पा की मात्रा का और स विकास, क्योंकि ये वाली मात्रा भी इस का से पहले पड़ जाएगी ना, आपको पढ़कर देख सकते हैं वह ई कास, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ समझिए, यदि आप समझदार हैं, आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं व कै स व प पे ई की मात्रा बी कै पा की मात्रा का स विकास। ये है आंकड़ा लगाकर लिखने का तरीका। ये बै का आंकड़ा होता है इस वाले बै के लिए, ठीक है, यानी कि पेट चिरे वाले, तो आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है विकास में पेट नहीं चिरता है, लेकिन आपने ये लगाया है, तो आप समझदार हैं, तो आप खुद वहाँ पर जब हिंदी में लिखेंगे तो सिंपल वाला बै लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पत्र वाहक, तो पत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, पै बनाएंगे और त्रय की चाप लगा देंगे आधे तक, पत्र वाहक, तो वाहक में भी वही तरीका है, वह सिंपल वाला है, तो व और व के बाद क्या बनाएंगे यहाँ पर, ह, हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा मोटा बनाएंगे, नहीं ये हमारा सा पड़ जाएगा, तो व ह और क, व पा की मात्रा हम लगा सकते हैं, व ह और ह और क, वाहक आपका ही हो जाएगा, तो पत्र वाहक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेजनाथ कैसे लिखा जाएगा, तो बनाएंगे ब और ज, बेज, ठीक है, बेज और न ऐसे ले लेंगे, न और थ, ठीक है, इस तरह से इसको हम इस तरह से थोड़ा तिरछा निकाल देंगे तो ये इसको काट देगा, ब ब ब की मात्रा हम यहाँ लगा सकते हैं बेज, और न पा की मात्रा नाथ, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सही करके क्रम इसका ये रहा, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ना 5 नंबर तक, अब हम जो है 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों 6 नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं 6 नंबर को डाल लेता हूँ, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई यह चाहता है, अब हमें थोड़ा पहले का पढ़ लेना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो यदि लिखेंगे तो यदि को यदि हम डैको लाइन के ऊपर बनाएंगे इस तरह से, तो हमारा पढ़ा जाएगा यदि, तो ठीक है, यदि कोई, तो कोई को लिखते हैं हम इस तरह से, ठीक है, और लाइन पर बनाते इसी चीज़ को, तो हो जाता कहीं, तो यदि कोई यह चाहता है कि, तो यह को हम बनाते हैं इस तरह से, यह को बनाएंगे और इस तरह से इसमें है हम लगा देते हैं, तो होता है यह चाहते चाहता का इस तरह से हमारा जो है सब चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरह सा, ठीक है। अब देखते चाहता है, चाहता है, अब देखिए चाहता है तो हमने लिख दिया, और है में ही चाहे तो हम इस तरह से बढ़ाने के बाद इसे की भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ही इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अब हम अलग अलग लिखेंगे, चाहता है कि, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, यहाँ तक देखिए क्या आया है, यहाँ तक सर्वनाम और शब्द चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ सर्वनाम और शब्द चिन्ह जो है आप अपने बहुत ज़्यादा पक्के कर लीजिए, बिना उनके आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, उनकी बनी हुई, तो उनकी हम कैसे लिखते हैं, उन लिखते हैं और उनमें की लगा देते हैं, तो उनकी बनी, तो बनी के लिए बै बनाएंगे, ये वाला जो हमने कल आंकड़ा सीखा, बै न इसमें जोड़ देंगे और ई की मात्रा बनी, बनी हुई और हुई हमारा लिखा जाता है को इस तरह से लिखते रहते हैं, तो हुआ हुई हुए हमारा हो जाता है लाइन पर, ठीक है। तो बनी हुई चीज़ें और चीज़ें का भी हमारा शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, चै और सै को लगा देते हैं, और प्लूरल है तो नीचे बिंदा हम लगा देंगे, तो चीज़ें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक जो जितनी चीज़ आई बनी को छोड़कर सभी सब जो है शब्द चिन्ह या सर्वनाम से बनी हुई है, तो बताइए ये याद करने वाला टॉपिक है, इन्हें याद अच्छी तरह से कर लीजिए, आप जो है 85% तक सही भी नहीं कर पा रहे होंगे बिना इनके याद के, तो जब तक ये आपके याद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दूर दूर तक, तो दूर दूर कैसे, दूर का भी हमारा शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, रह को काट के इस लाइन पर बनाते हैं तो दूर पढ़ता है, और इस तरह से हम ये पांच या ऐसे या गुरु का सिन, लघु या गुरु जो होता है उसे मान, किसी भी मान सकते हैं आप इसे, तो इस तरह से यदि इसके पास भी कुछ बना देंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी दो बार लिख भी मानी जाती है, तो हो जाएगा दूर दूर तक, और तक का कैसे होता है, लाइन पर ऊपर तय बनाते हैं तो तक हमारा पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है तक। अब आगे देखते हैं पहुँचे, तो पहुँचे कैसे होता है, पहुँचे का भी होता है इस तरह से पै बनाते हैं और इस तरह से शायद ये हम मोड़ देते हैं लाइन को काट कर, पहुँचे पढ़ा जाता है। पहुँचे सारे संसार में मशहूर हो, पहुँचे सारे, तो सारे का कैसा होता है, लाइन पर स और र इस तरह से लाइन के ऊपर सारे पहुँचे, तो सारे संसार और संसार लिखेंगे स न स और र, स न स स पाकि मात्रा ऊपर लगा देंगे संसार, क्योंकि इस रह से पहले और स के बाद पड़ जाएगी, तो पता है ना आपको संसार में, तो में इस तरह से होता है संसार में मशहूर, तो मशहूर और महान का कैसे होता है शब्द चिन्ह, सॉरी मशहूर, मशहूर का अकेला होता है लाइन पर, तो इस तरह से लिखेंगे मशहूर, ठीक है, इस तरह से मैं और स लाइन पर होता है, वो लाइन के ऊपर होता है महान और महोदय का, तो मशहूर हो जाएगा मशहूर, मशहूर हो, ठीक है, मशहूर हो, और तो का कैसे होता है लाइन पर इस तरह से तय हम बनाते हैं तो हमारा तो पढ़ा जाता है। अब आप इसको हो और तो एक साथ भी लिख सकते हैं, हो
और तो इस तरह से, तो जोड़ना भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हो तो इसके बाद देखते हैं उसको बड़ी ईमानदारी, तो उसको कैसे लिखते हैं, लाइन पर लिखते हैं यहाँ पर उस और को इस तरह से जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हो जाएगा उसको बड़ी, और बड़ी का शब्द चिन्ह हमारे पास कैसे होता है, इस तरह से लाइन पर, तो बड़ी ईमानदारी, तो लिखेंगे माँ, मैं, ने, और ने में लगा देंगे दार की चाप और इसको बढ़ा देंगे, लग जाएगी एक ही मात्रा, ई की मात्रा लगा देंगे मैं पर, ई माँ पा की मात्रा, माँ और ने और दार की चाप और ई की मात्रा इसमें बढ़ गई निकल गई, तो ईमानदारी ये हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी, मेहनत, तो मेहनत को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, तो मेहनत लिखने के लिए देखिए मैं बनाएंगे, ठीक है, मैं में ही हम है को जोड़ देंगे, मैं है, इस तरह से बनाना सीख लिया ना हमने, मैं है और ने, और इसको इस तरह से इधर सीधा कर देंगे तो तय पढ़ाएगा, तो इसको काट देंगे हो जाएगा ने, तो ठीक है, मैं है ना, तो आपका ये हो जाएगा। एक ही मात्रा आप यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लगा सकते हैं मैं पे एक ही मात्रा, मैं है ना, तो ठीक है, वरना तो ये सेकंड, ठीक है, ये जो है वक्र रेखा का है मैं, और ये सेकंड लाइन यानी कि सेकंड नंबर पर बन रहा है लाइन पर टच होकर, तो यहाँ एक ही और ओ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो ये आपको पता होगा ना, ये पढ़ाया है मैंने, तो मेहनत और लगाव के साथ, तो और कैसे होता है, रे को इस तरह से लाइन पर यदि हम काटते हैं तो और पढ़ा जाता है, तो मेहनत और लगाव, तो लगाव देखते हैं, लय बनाएंगे, गै बनाएंगे और वाह है सही जोड़ देंगे, गा पा की मात्रा लगाव, ठीक है। तो मेहनत और लगाव के साथ, तो के इस तरह से कह के जो है हमारा शब्द चिन्ह होता है के साथ, तो साथ का कैसा होता है, देखिए सह बनाएंगे और इस तरह से थ हम बना देते हैं लाइन के ऊपर, तो हमारा साथ पढ़ा जाता है, साथ इस, और इसका होता है हमारा इस तरह से इस महान, और महान का और महोदय का बना अभी बताया आपको लाइन के ऊपर, मैं सह नहीं मैं है जुड़ता है ये, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, सह थोड़ा छोटा होता है, तो महोदय हो जाएगा, सॉरी महान हो जाएगा, महान लिखा हुआ है, महान काम को करना चाहिए, तो काम कैसे लिखेंगे, का और म का पा की मात्रा, का और म, काम को, और को होता है हमारा इस तरह से लाइन पर को करना, तो करना और कर क्या लिख देंगे, कह रहे कर, तो करना करनी और कर, ये तीनों चीज़ हमारा पढ़ा जाता है, करना चाहिए, तो चाहिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे च और इस तरह से चाहिए, इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है, ये होता है हमारा, और इसको जो है हम क्रॉस से इस तरह से काट देंगे क्योंकि पूर्ण विराम है, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। चलिए अब सेवन नंबर की ओर चलते हैं, सेवन नंबर को समझते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेवन नंबर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आदमी का यह फर्ज है, पूरा लिखेंगे, तो आदमी लिखेंगे पहले आदमी, आ की मात्रा आ, दे, दे, मैं पे की मात्रा आदमी का, तो होता है का यह, यह बनाएंगे और है इस तरह से लाइन के ऊपर, तो होता है यह फर्ज है, तो देखिए फ र और स, इस स को हम जय पढ़ लेते हैं आपको पता है, और इस वाले इसने इसको काट दिया, तो हो जाएगा पै का फै, तो पहले पढ़ा जाएगा फै, फिर र और फिर स, तो फर्ज और फर्ज नहीं, हम इसको जय पढ़ेंगे तो फर्ज हमारा हो जाएगा, क्योंकि आदमी का यह फर्ज है, ये आदमी के फर्ज की बात नहीं चल रही है, जब हम इसे आगे पढ़ेंगे, मैंने पढ़ रखा है, तो हमें पता चल जाता है ये फर्ज है, ठीक है। चलिए तो आदमी का यह फर्ज है कि, तो है इसमें इस तरह से बना लेंगे और इसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो कीवी इसमें ही जुड़ जाएगा, तो है कि दूसरों के दुख, तो दूसरों लिखने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दे, और इसमें ही जो है आप स और र, ठीक है, अब दे दैपो की मात्रा दू, और सॉरी दे दैपो ऊ की मात्रा दू, स र पो की मात्रा रो, दूसरो, यदि आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, वरना तो पीछे बिंदा लगा लीजिए तब भी प्लूरल हो जाएगा दूसरों, ठीक है। नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या है, आप दो बनाइए और रे से काट दीजिए और पीछे बिंदा लगा दीजिए, ठीक है, और पीछे बिंदा भी नहीं लगाएंगे तब भी दो बनाकर रे से इस तरह से कर देंगे इसको नू करके, या दूसरा तीसरा, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं तीसरा दूसरा, और यदि आप इस तरह से कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है आप उठाने में परेशानी कर पाएंगे, है ना, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो दूसरों के, तो के का कैसे होता है, दूसरों के होता है लाइन पर इस तरह से, सुख दुख को पहचाने, तो देखिए सुख कैसे लिखेंगे, स बनाएंगे और इस तरह से कह, और नीचे यदि इसको जोड़ देंगे यहीं तो ये इसको काट देगा, हो जाएगा ख, तो स से पे की मात्रा सु और ख, तो सुख दुख, तो द बनाएंगे और द के बाद इस तरह से इसे काट देंगे, हो जाएगा ख, तो दे दे पे मतलब दुख, तो सुख दुख को पहचाने, तो को कैसा हो जाएगा, को इस तरह से बनाते हैं को पहचाने, और पहचाने का जो है शब्द चिन्ह मैंने अभी आपको वीडियो में शुरू में ही पढ़ा है, पीछे करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पै और है हमारा होता है, तो पहचाने हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने ये सह पढ़ा था सह रह, तो यदि हम थोड़ा मोटा करके करते जैसे कि हमने यहाँ करा था, तो वहाँ है पढ़ाया था, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना, सह में और है में अंतर कीजिएगा। तो देखिए कहाँ तक हो गए, पहचाने उनकी, उनकी हम कैसे लिखते हैं, बनाते हैं उन और की, तो उनकी चलिए ऊपर कर लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उनकी मुसीबत, तो मुसीबत का जो है हमारा शब्द चिन्ह होता है ना, तो उनकी मुसीबत को हम लिखेंगे, तो इस तरह से हमारा जो यदि हम लाइन पर बनाते हैं इस तरह से,
उनकी मुसीबत, तो ये हमारा शब्द चिन्ह होता है मुसीबत का, ठीक है, आपको सभी मैंने पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। तो उनकी मुसीबत, और आगे बढ़ते हैं, मुसीबत में इस तरह से, उनकी मुसीबत में यहाँ पर देखेंगे मदद करें। तो देखिए मदद का जो है मैंने काफ़ी जो है शुरू में ये पढ़ाया था आपको, तो मदद का कैसे हो जाता है, देखिए इस तरह से यदि हम नए बनाते हैं और इस तरह से इसको काट देता हो जाता है मैं, तो इस तरह से यदि हम कुछ चीज़ लाइन पर बनाते हैं तो वो हमारा मदद होता है। तो मदद करें, और कर को हम लिख देते हैं हो जाता है करना, करने करें, तो इस तरह से हम एक ही मात्रा से जल्दी पढ़ने के लिए लगा सकते हैं, है ना, करें, तो करें। और तो और का होता है रह को लाइन पर काट कर, और यदि समय पड़े, और यदि को कैसे करते हैं इस तरह से दया लाइन के ऊपर, यदि समय, और समय का कैसे होता है ये भी सब कुछ आपको बता रखा है, स और मैं इस तरह से होता है लाइन पर समय का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें भी और इसमें भी अंतर देख लीजिएगा क्या है। तो वहाँ पर है जुड़ता है थोड़ा मोटा, और यहाँ पर हल्का है तो स जुड़ता है। तो समय, यदि समय पड़े, और पड़े कैसे लिखेंगे, देखिए प जोड़ देंगे, ये वाला प हमने सीख लिया ना आंकड़ा, प प प ज और ह का, तो प जोड़ेंगे प के बाद र, और इसको पीछे कर देंगे तो ये इसको काट देगा, तो प ढ़ ढ़ पे की मतलब पड़े, ठीक है, पड़े और हो सके, तो पड़े और फिर हम और को ऐसे लिखते हैं हो सके, तो हो लिखेंगे इस तरह से हो, ठीक है, स और क लिख देंगे सक, तो सके सकता सकती हो जाता है, तो हो सके जल्दी पढ़ने के लिए आप एक ही मात्रा इस पे लगा सकते हैं। तो हो सके तो हम इस तरह से करेंगे हो सके तो उनके, तो उनके उनकी इस तरह से हमारा होता है उनके, उनके सारे काम का बंदोबस्त कर दें, तो उनके सारे, और सारे हमारा होता है स और र लाइन के ऊपर, सारे काम का काम, ठीक है, काम का बंदोबस्त, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ फिर उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखें यहाँ पर है बंदोबस्त कर दें, तो बंदोबस्त का शब्द चिन्ह होता है ना, इस तरह से बै बनाते हैं इस तरह से बै लाइन पर टच करके, तो बंदोबस्त का शब्द चिन्ह होता है बंदोबस्त कर दें। तो कर कैसे लिखेंगे दोस्तों, कै और कर और दें जो हम करेंगे लाइन पर तय बना देंगे हो जाएगा दें, और पूर्ण विराम के लिए क्रॉस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं बड़े ही आराम के साथ, आपको पढ़ना है करना है। चलिए अब एट नंबर को समझ लेते हैं, एट नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों एट नंबर को समझते हैं, मैं डाल देता हूँ यहाँ आठ नंबर, ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है क्यों महोदय जी आपकी उस दर्जी के, तो देखिए क्यों महोदय जी, और क्यों का क्या होता है हमारा शब्द चिन्ह होता है किस तरह से, कै और कै में नए यदि हम लाइन के ऊपर इस तरह से जोड़ते हैं, तो क्यों पढ़ा जाता है, थोड़ा तिरछा सा हो गया लेकिन आपको सीधा ही लिखना है, आपको पता होगा ना, तो क्यों हो जाएगा इस तरह से, क्यों महोदय, और महोदय का कैसे होता है लाइन के ऊपर मैं, और मैं है को इस तरह से जोड़ देते हैं, तो महोदय क्यों महोदय जी, और जय बनाएंगे, जय पर ई की मात्रा जल्दी पढ़ने के लिए लगा सकते हैं, यहाँ नीचे लग गई है, ठीक है। तो महोदय जी आपकी, तो आपकी का शब्द चिन्ह इस तरह से होता है आपकी, ठीक है, आपकी उस, और उसका कैसे होता है लाइन पर इस तरह से उस दर्जी, ये हल्का और डार्क होता है लेकिन आप स्वयं में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा अब इसको, ठीक है। तो उस दर्जी, तो दय बनाएंगे और रे बनाएंगे, और यहाँ पर ही हम जय बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर बै हो जाएगा, इसमें ही जोड़ लीजिए दै रै और जय, ठीक है। इस तरह से भी थोड़ी दिक्कत है तो आप इसी तरह से लिखिए इसको, तो जिस तरह से आपको सूटेबल लगे उस तरह से लिख सकते हैं, दै रै जी दर्जी, ठीक है, उस दर्जी, इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे चाहे तो आप, उस दर्जी के, और के का होता है ऐसे उस दर्जी के बावत, और बावत का शब्द चिन्ह कैसा होता है, ब और ब लाइन के ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो उस दर्जी के बावत क्या, और क्या का होता है इस तरह से क्या राय, तो राय कैसे हो जाएगी, रै बनाएंगे और यहाँ से ही यह को बना देंगे, रापा की मात्रा राय हो जाएगी, ठीक है, राय है और है हमारा इस तरह से होता है, पूर्ण विराम के लिए क्रॉस हम लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कपड़े, अब यहाँ पर एक बात देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या राय है, एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्रॉस का जो है प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉस मार्क लगा सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्योंकि शॉर्ट हैंड हम लिख रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पर शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो क्रॉस मार्क लगा देंगे, है ना, लेकिन यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद करते तो यहाँ पर डैश दे रखा है तो उस हिसाब से नहीं कर पाते, वो अभी हम डिक्टेशन चलेगी ना उसमें सब कुछ बता देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं, कपड़े, अब देखिए कपड़े खूब अच्छे सीता है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, है ना, तो कपड़े खूब अच्छे सीता है, तो कपड़े कैसे लिखेंगे, बनाएंगे अपना क, ठीक है, क और प में ही र हम जोड़ देंगे, तो क प र, र को हम र पढ़ लेते हैं, कपड़े, तो कपड़े थोड़ी होगा रे पे एक ही मात्रा, कपड़े कपड़े, ठीक है, इसको हम खुद स्वयं से पढ़ लेंगे, आप चाहें तो ले भी बना कर लिख सकते हैं क, और इसमें ही आप इस तरह से पै जोड़ लीजिए और ले और इसे काट दीजिए एक ही मात्रा, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कपड़े खूब अच्छे सीता है, तो खूब कैसे लिखेंगे, खै, ठीक है, खै और बै,
खै पर ऊ की मात्रा हैला करेंगे खूब हो जाएगा। आप चाहते तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर काट लेते, पेन हटाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। फिर तो खूब अच्छे और अच्छे कैसे करते हैं, इस तरह से बनाते हैं अच्छे लाइन के नीचे चाहे वाला चिन्ह, और इसको जल्दी पढ़ना है तो एक ही मात्रा लगा सकते हैं अच्छे सीता है, तो सीता स उठ स पर एक ही मात्रा हो जाएगी, इधर सी तय तय पा की मात्रा सीता, ये सीता और है को हम इस तरह से, और पूर्ण विराम है नहीं है तो नहीं है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। उसके बने हुए कपड़े, तो देखिए उसके, तो उसके के कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बने हुए तो ब और न और न एक ही मात्रा, बने हुए और हुए हुई हुए होता है लाइन पर इस तरह से, बने हुए कपड़े क प र ए कपड़े, और कपड़े को कर लेंगे कपड़े, उसके बने हुए कपड़े पहनने से, तो पहनने का कैसे होता है लाइन पर इस तरह से प और है जोड़ देते हैं, पहनने से का होता है इस तरह से जी, तो जी को कैसे जय जय पे की मात्रा हो जाएगी जी, खुश तो खुश कैसे लिखेंगे इस तरह से, खै इसने काट दिया शुरू में ही और एस से बना देंगे, खै पे ओ की मात्रा नीचे लगा देंगे खू, तो उससे खुश यहाँ पर मात्रा लग गई है, ठीक है आपको दिख रहा होगा, इधर थोड़ी मैं इधर लगा लेता हूँ तो खुश हो जाएगा, खुश हो और हो को कैसे लिखते हैं इस तरह से, खुश हो जाता है, तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है पूरा आपको दिख रहा होगा, तो जी खुश हो जाता है, तो हो जाता है आप एक साथ भी लिख सकते हैं अब, क्योंकि अब आप काफ़ी जो है हद तक आगे आ चुके हैं, तो लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है तो खुश हो जाता है, तो जा और ता, जा पा की मात्रा जात, और जात को वर्ब है तो बना लेंगे तीन चीज़, जाता जाती जाते, तो जाता है, और है कैसे लिखा जाएगा ऊपर क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो इसके लिए पूर्ण विराम हम सॉरी पूर्ण विराम है तो क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है अब आगे चलते हैं, आज तो वह आपके यहाँ आया था, तो आज कैसे लिखते हैं जय को बनाते हैं लाइन के ऊपर हो जाएगा आज, तो और तो कैसा हो जाएगा इस तरह से, आज तो भी आप एक साथ लिख सकते हैं, देखिए आज और तो इस तरह से, आज तो आज तो वह, और वह का कैसे होता है इस तरह से, वह आपके, आपके का कैसे होता है पै बनाएंगे और क्या इस तरह से जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके, ये शब्द चिन्ह है आपको याद करने पड़ेंगे, आपके यहाँ, तो यहाँ को कैसे करते हैं यह लिखते हैं ना इस तरह से, यह है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हो जाता है यहाँ, ठीक है यहाँ आया, तो आया और ये होता है आए का जो है हमारा शब्द चिन्ह आया था, और था हमारा होता है इस तरह से, ठीक है और पूर्ण विराम है तो क्रॉस हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों चलिए पूर्ण विराम है तो क्रॉस हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने उसे क्या जवाब दिया, तो आपने का जो होता है कैसे होता है आप बनाते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप बनाते हैं और इसमें ही ने हम जोड़ देते हैं, तो आपने उसे उस ए, उसे, अब देखिए इस उसे में अंतर है और इस तरह से होता कोई तो मात्रा होती, कहें कि आओ की, तो आओ हमने भी ऊपर सीखा था ना वो, तो उसी तरह से कल सीखा था शायद, तो ठीक है तो क्या हो जाएगा उसे, उसे क्या, और क्या कैसे होता है इस तरह से लाइन को बनाते हैं ऊपर कह को, तो क्या पढ़ाता है क्या जवाब दिया, और क्या जवाब दिया, इस जवाब दिया का, जवाब देना का और जवाब देता का तीनों का एक ही शब्द चिन्ह होता है, तो कैसे लिखेंगे इस तरह से ब, और इसमें ही हम किस तरह से जोड़ देते हैं इस तरह से जोड़ेंगे ब, सॉरी गलत हो गया, इस तरह से देखेंगे थोड़ा तिरछा है ब ब, और इस तरह से हम कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा पूरा जवाब दिया, तो ठीक है तो ये 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ जो है आपकी अभ्यास जो है 41 पूरी कंप्लीट हो गई है, तो अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों, जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।